जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे जो मिशन रफ्तार पर काम कर रही है उसमें कहां तक काम हो चुका है और किस रूट पर भारतीय रेलवे ये काम कर रही है और आपको दिल्ली से मुंबई जाने में आपको कितना समय का बचत होने वाला है मिशन रफ्तार कम्प्लीट हो जाने पर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिशन रफ्तार की फुल डिटेल जानकारी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपकी यात्रा न केवल सुखद होगी बल्कि सुगम भी हो जा रही है। भारतीय रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन और लग्जरी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसे 45 मिनट से लेकर 4 घंटे तक की समय की बचत होगी। यानी अब दिल्ली से मुंबई तक का सफर न केवल आसान होगा बल्कि समय की भी बहुत ज्यादा बचत इसमें होने वाली है। इससे अच्छी बात यह है कि ट्रेन के किराए में भी किसी भी प्रकार की वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। रेलवे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अहमदाबाद मुंबई के बीच चल रही वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन अभी 130 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। आने वाले दिनों में यह ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। अहमदाबाद मुंबई और मुंबई दिल्ली के ट्रैक की क्षमता को अपग्रेड कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद मुंबई और मुंबई नागदा लाइन पर मौजूदा कुल 126 रेल ब्रिजों को भी 160 किलोमीटर की स्पीड के लायक बना दिया गया है। इसके अलावा ट्रैक ओएची सिग्नल प्रणाली जैसे काम को भी पूरा कर लिया गया है। ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने के लिए किया जा रहा है। कामों पर 6661.41 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मिशन रफ्तार के अपग्रेडेशन होने पर अब सेमी हाई स्पीड ट्रेनें 160 की रफ्तार से दौड़ेगी, लेकिन किराए पर इसका असर नहीं पड़ेगा। स्पीड बढ़ने से रनिंग टाइम में अंतर भी आएगा। सभी वंदे भारत ट्रेन शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को 160 की रफ्तार से चलाया जाएगा। बाद में अन्य ट्रेनों को चलाने पर फैसला होगा। इन ट्रेनों के टाइम टेबल को भी अपडेट किया जाएगा। हालांकि इस पर निर्णय रेलवे बोर्ड करेगा। टक्कर रोधी प्रणाली यानी कि कोच का काम भी इस रूट पर अंतिम चरण पर है। कुछ जगह पर सफल ट्रायल भी हो चुका है। भारतीय रेलवे मिशन रफ्तार के तहत एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही मालगाड़ी की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। मिशन रफ्तार के तहत इन सभी ट्रेनों की औसत गति और भी बढ़ाई जाएगी। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें ट्रैक सिग्नल सिस्टम, ओवरहेड डेवलपमेंट ट्रेन के डिब्बे और इंजन को अपग्रेड करना होगा। वहीं इसके तहत बाईपास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी करना होगा। इस मिशन के अंतर्गत रेलवे के सभी डीजल इंजन को मेमो यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में तब्दील कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार के तहत लंबी दूरी के कम समय में ही तय करने का उद्देश्य रखा गया है। लंबे रूट की ट्रेन के लिए मिशन रफ्तार के तहत ट्रेनों की गति कम से कम 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत ट्रेनों में तो बदलाव किए जा रहे हैं, वहीं रेलवे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। रेलवे की यात्रा में ट्रेन के जो भी चीज बाधा बनती है उसे भी कम करने की योजना इसमें शामिल किए गए। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों का निर्माण कर रही है जिसमें आपको सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत हो या फिर अमृत भारत हो या दुरंतो हो या फिर शताब्दी ट्रेन हो, इन सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे अब अपनी पूरी क्षमता यानी कि पूरी रफ्तार में चलाने की योजना बना रही है, जिसके तहत भारतीय रेलवे काम भी कर रही है मिशन रफ्तार के तहत। मिशन रफ्तार के तहत भारतीय रेलवे आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में आपको हर रूट पर मिशन रफ्तार योजना भारतीय रेलवे लागू करने वाली है और सभी रूटों पर आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे भारतीय रेलवे प्लान कर रहे हैं। फिलहाल इन जो रूट मैंने आपको बताए हैं, इन रूटों पर भारतीय रेलवे मिशन रफ्तार के तहत काम कर रही है और इस पर चलने वाली सभी ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे जो मिशन रफ्तार के तहत काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर भारतीय रेलवे द्वारा और जो जानकारी निकल कर सामने आएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।